बच्चों, आज हम पानी के साथ एक मजेदार खेल खेलेंगे। आपको कहानी सुनना तो अच्छा लगता होगा ना? अरेबियन नाइट्स में से बगदाद के चोर की कहानी तो सुनी होगी आपने। बार बार वो डाके डालता और भाग जाता, तो उसे पकड़ने के लिए खलीफ ने एक बार एक पानी से कारावास बनाया। पानी की जिस जेल में इस बगदाद के चोर को बीचों बीच रखा, लेकिन वो बगदाद का चोर भाग गया। उसे दोबारा पकड़ा, दोबारा बीचों बीच लाके रखा, वो भाग गया। बार बार ये हुआ। फिर तो खलीफ ने मुझे फोन किया और ये काम दिया, कुछ भी करो, वो चोर पानी की जेल के बीचों बीच रहना चाहिए। कैसे करें इसको? आप भी आपके घर में एक कोई बर्तन लीजिए और उसमें ऐसा चोर डालिए, पानी भर दीजिए। पानी की जेल में चोर को डाल के उसे बीचों बीच रखने की कोशिश करें। आप अपनी तरह से उसमें अपने विचार लगा सकते हैं, नुस्खे लगा सकते हैं, उसको उल्टा सीधा कुछ करके उसे बीच में रखने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसे कैसे पानी के बीचों बीच रखा जा सकता है। हम थोड़ा और पानी लेंगे। ये ग्लास लगभग ऊपरी सतह तक भरा है, लेकिन इसमें हम और ज्यादा पानी डालेंगे, और डालेंगे, और थोड़ा डालेंगे। इस तरह से ग्लास अब पूरा पूरा भर गया है। हम इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते ही जाएंगे, जब तक ये चोर अपने आप से चुपचाप से पानी के मध्य में आके खड़ा न हो जाए। थोड़ा पानी और। आ रहा है ना? हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब तो मुझे यूं लगता है कि अपने आप से ये बगदाद का चोर पानी के बीचों बीच आके खड़ा हो गया और अब उसे कहीं भागना भी नहीं है। है ना मजेदार? अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये किस तरह से हुआ। देखिए, आपने पहले पानी में देखा कि पानी की ऊपरी सतह वक्राकार होती है, उसे कहते हैं मेनिस्कस। आपने कई तालाब या नदियां या कोई और पानी के जमाव देखे होंगे, उसमें कई चीजें तैरती हुई भी देखी होंगी। कहाँ तैरती है वो याद करिए। बिल्कुल, पानी में, जिसमें पानी भरा है, उसके किनारे किनारे पर सारी चीजें तैरेगी। अगर आप पानी में दिए भी छोड़ोगे, वो भी तैरते तैरते किसी किनारे की तरफ जाएंगे। ऐसे क्यों होता है? देखिए, जब किसी चीज में पानी भरा हुआ होता है, समझो यहां तक, तो उसकी ऊपरी सतह होगी वक्राकार। पानी के आसपास के जो अणुओं होते हैं, वो ये बर्तन के लिए आकर्षण दिखाते हैं और बर्तन के साथ चिपक जाते हैं। इसकी वजह से पानी के किनारे की सतह हमेशा थोड़ी सी ऊंची होती है। हमने क्या किया? इस पानी में और थोड़ा पानी भरते गए, भरते गए, भरते गए, जब तक
जो वक्राकार सतह नीचे की तरफ थी वो अब ऊपर की तरफ आई हुई दिखाई देगी। किनारे के जो अणु हैं वो अभी भी ग्लास से चिपके हुए हैं और बीच में भी पानी भर गया है, इसलिए पानी का मेनिस्कस अब बिल्कुल उल्टा उल्टी दिशा में वक्राकार हो गया है। अब पानी की ऊंचाई यहां सबसे ज्यादा है और किनारे पर कम। देखिए, जहां पानी की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है वहां पानी का पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा होता है और वही भाग में कोई भी तैरती हुई चीज तैरती है। इसलिए जब पानी की ऊंचाई दोनों तरफ अथवा पानी के ग्लास के चारों तरफ सबसे ज्यादा थी, हमारा ये चोर भाग के वहां चला जाता था। अब पानी की ऊंचाई यहां सबसे ज्यादा है तो हमारा चोर भी भाग के अंदर की तरफ आके बैठ गया। तो पानी के पृष्ठ तनाव को समझने के लिए ये मजेदार गतिविधि आपको जरूर अच्छी लगी होगी, है ना।